पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिना लालू प्रसाद यादव के अनुमति के कांग्रेस जो है ना बिहार में हंस सकती है न रो सकती है। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। जी हां, कांग्रेस की स्थिति बिहार में अब इतनी ही बची हुई है कि जो आदेश लालू प्रसाद यादव दे वही काम कांग्रेस करेगी। अगर लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कहते हैं कि आप हंसिए तो कांग्रेस हंसेगा, और अगर बिहार में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को कहेंगे कि आप रोइए तो पूरा कांग्रेस रोएगा। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लेते हैं, उसके बाद लालू प्रसाद यादव जो है वो पप्पू यादव को इस तरीके से साइड करते हैं कि उनका भविष्य ही खतरे में आ जाती है। अब उसके बाद पप्पू यादव एक तरफ निर्दलीय दावा ठोक रहे हैं तो दूसरी तरफ बेगूसराय के कन्हैया कुमार, जिसे कांग्रेस ने अब दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है और एनडीए के प्रत्याशी मनोज तिवारी के खिलाफ उतारा है, अब उस पर नीरज कुमार का बड़ा बयान आया है। नीरज कुमार किस तरीके से लालू प्रसाद यादव से लेकर कांग्रेस पर तीखा प्रहार कर रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बस अब कांग्रेस की यही स्थिति बची हुई है। ऐसे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले सुनिए। स्वाभाविक है, माननीय लालू प्रसाद जी की जो राजनीति में अपने पुत्र के लिए प्रेम, तो माननीय पप्पू यादव जी को कांग्रेस में शामिल होने के पूर्व उनसे मिल लेते हैं लेकिन टिकट से बेदखल कर दिए जाते हैं। कन्हैया कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव बेगूसराय से लड़ते हैं लेकिन राजद उनके खिलाफ प्रत्याशी देता है, क्योंकि लालू प्रसाद की यह स्पष्ट समझ है कि हमारे पुत्र के सामने दूसरा कोई व्यक्ति राजनीति में टिक नहीं पाए। अब कांग्रेस पार्टी का आलाकमान ने फैसला लिया है कि कन्हैया कुमार को दिल्ली से चुनाव लड़ाएंगे, माननीय मनोज तिवारी जी एनडीए के प्रत्याशी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि माननीय लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर कांग्रेस राजनैतिक रूप से बिहार में न मुस्कुराती है न कराहती है। जी हाँ, सुना आपने किस तरीके से नीरज कुमार जो है वो सीधा सीधा बीजेपी के लिए सपोर्ट में खड़े हैं और लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मनोज तिवारी के खिलाफ आज कन्हैया कुमार को कांग्रेस इसलिए उतार रही है क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते कि बिहार में उनके बेटे से बड़ा कोई नेता बन सके, और यही कारण रहा कि जो 2019 में बेगूसराय से चुनाव लड़ते हैं उनको दिल्ली शिफ्ट किया गया और पप्पू यादव जो दिल्ली में अपनी पार्टी का विलय कर लेते हैं उन्हें निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरना पड़ता है। और पप्पू यादव को लेकर यह भी उनका कहना है कि अगर पप्पू यादव चुनावी मैदान में महागठबंधन से उतरते और अगर जीत जाते तो कहीं उनके बेटे से बड़ा कोई नेता यादवों का ना बन जाए। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव डरे हुए हैं और बिहार के दो दो बड़े नेताओं को इस तरीके से साइड किया गया, एक को पूर्णिया में निर्दलीय छोड़ा गया तो दूसरे बिहार के बेटे को दिल्ली में शिफ्ट किया गया। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।